बेईमानी सारे जमाने। सबसे पहले सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। ये रिक्शे वाले के ये मीटर होते हैं, यो यहाँ तक डिन फैंस तक 50 रुपए उसने बना दिए। मैंने कहा ले दस, तू समझता क्या है, मेरा बेटा है पुलिस में, तुझे करा दूंगी मैं अंदर। हाँ, पैसे लिए बगैर ही भाग गया। तड़ी जो लग गई उसे। वो खैर से मेरी प्यारी सी बहू गुलजारी कहाँ है? वो गुलजार बेगम इस वक्त अपने कजन के साथ यानी दिलशाद के साथ शॉपिंग करने गई। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या? मेरा मतलब था कि मेरा बड़ा ही दिल उदास था। मैंने कहा मैं अपने बेटे के पास जाऊं, कुछ बातें करूं, और तेरे साथ एक बात मुझे बहुत जरूरी बेटा करनी थी। हाँ। बात यह थी कि ले दस ना, तू यहाँ क्या कर रही है? जा बाहर बाग में जा, रंग बिरंगे फूल खिले हैं वहां, देख जाके चल ले, जाके खेल जा। ओ याशर, बेटा बात ये है कि तुम्हें तो अपने बाप का पता है ना, उसे दीन की परवाह तो ना दुनिया की। हाँ। तो बहन के लिए बेटा जो करना है तू नहीं करना है ना अपनी बहन के लिए? वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसके बारे में बहुत संजीदगी के साथ सोचता हूँ। जीता रहे बेटा तू। कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करे एसपी साहब। राम चाची। वालेकुम सलाम माँ, सदके जाए इधर तो आ प्यार। ना दस, ये ना देसी प्यार है ना, देसी नहीं, हेयर स्टाइल जरा वो हो जाता है ना। स्टाइल? हेयर स्टाइल? हाँ वही। गुलजार बेगम, कमाल है, तुमने अम्मी से अभी तक चाय वगैरह कभी नहीं पूछा। अभी घर में दाखिल हुई नहीं और चाय का नहीं पूछा, फिर पूछ लेती हूँ, जरा सांस तो ले लू। हाँ, सांस नहीं वो अल्लाह दास, अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा दे बेटा। हम ना खा पी के आए, हलवा पूड़ी में खा के आई। अच्छा अच्छा, अब ना मैं जाती हूँ, है फिर जाती हूँ। आसिया तू अम्मी को आसी चाय वगैरह। अच्छा चाची ठहरे, मैं आपके लिए एक चीज रखी हुई है मैंने, भाई दिन शायद वो गठड़ी ले आना। वो गठड़ी? हाँ। अच्छा दस माँ सदके, कौन सी चीज रखी है? मेरी बहू कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है मेरा। लोगों की बहू है, हाय हाय हाय, कुछ ना पूछो, सासों को तो कोई ख्याल ही नहीं रखती। ये चाची, ये सरगोधे से कुछ पुराने कपड़े आए थे, तो मेरे बिल्कुल पुराने क्या नवे निकोर है, मेरे चाची की बेटी ने भेजा था कि शहर में लोगों को बांट देना जरूरत होती है। मेरी नौकरानी ने मुझे बड़ा कहा कि बीबी नए हैं बिल्कुल मुझे दे, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो अपनी सास को दूंगी। चाची ये सूट ना आसिया को दे दें, बहुत अच्छा लगेगा, ये आपके लिए। गुलजारिये, क्या सोच के बात तुमने की है? हैं ना, क्या समझ के बात की है? किससे बात कर रही है तू? सकीना से बात कर रही है जिससे पूरा लाहौर डरता है ना? तेरी हैसियत क्या है, औकात क्या है तेरी? हमें क्या समझा, क्या समझा तुमने हमें, क्या समझा? हम फकीर हैं, फकीर हैं हम, मंगते हैं। गुलजार बेगम, तुमने मेरी अम्मी को ये खैरात की ऑफर क्यों दी? लो, नेकी का कोई जमाना ही नहीं है। पिछली दफा जब तुम्हारी अम्मी आई थी ना, कि कपड़े इतने मैले थे कि साथ वाले इनके नौकर समझे, तो मैं कहती हूँ जबान बंद कर। अब तेरी हस्ती क्या है? हमें तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अपने घर में हक हलाल की खाते हैं और खुश हैं, और तुम तेरे पिछले और तुम लोग, तुम तो गरीब मजारों को खून चूसते हो। लो सारे मेरे अगले पिछले एहसान भूल गई है बुड्ढी माई। बुड्ढी? मैं बुड्ढी हूँ? बुड्ढी होगी तेरी ताई चाची फूफी कोई, तेरी बुड्ढी होगी। और मेरी आंखों पे तो ऐसे लालच की पट्टी बंध गई थी, ये सोने के लिए, ये ले, मैं तो उतर गया सब कुछ, मुझे सब समझ आ गई है, सब आ गई है मुझे समझ। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया रिश्ता दे के तुम्हारा, तुम जैसी का, मुझे क्या पता था ये निकलना है। तूने मेरा बेटा अफसर हो गया था तो रिश्ता दिया उन्होंने, तेरे अगलों पिछलों में कोई इतना बड़ा अफसर है? बोल बताओ। अम्मी आप किससे जुबान दराजी कर रहे हैं? ये कोई याशर, अपनी अम्मी से मुझे बचाओ। ये मैं तो कहती हूँ मैं इसका एक बाल नहीं छोड़ूंगी सर का, मैं तो तेरे बाल नोच के ढेर लगा दूंगी, खून पी जाऊंगी मैं तेरा, खून पी लूंगी मैं तेरा। और आइंदा के बाद मेरी बात गौर से सुन ले, आइंदा अगर तूने मुझसे या मेरे बेटे से बदतमीजी की, तेरा मैं वो हशर करूंगी, तेरे अगले पिछले सब याद करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी जिंदगी में तेरी ये मनूस शक्ल कभी नहीं देखूंगी।
इधर आ, मैं कहती हूँ इधर आ। उठना, सुन ले बात क्या कह रही है अम्मी। इधर आ मेरी प्यारी बहू, गुल के जारी, इधर आ। आखिरी प्यार तो मैं तुझे कर लू ना, आखिरी प्यार है, ले आखिरी प्यार ले ले, मां सदके जाए तेरे।